भी जो गरीब बच्चे हैं वो अपना त्यौहार हंसी खुशी मना सके, इसके लिए सबने मिल के मिठाई की टोकरी, फलों की टोकरी और बच्चों को गोलियों टॉफी की टोकरी सबको वितरित की है, ताकि गरीब लोग भी अपना उत्सव त्यौहार अच्छे से मना सके। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर स्लम एरिया में रहने वाले गरीब बच्चों को बांटे उपहार। शहर के कुछ युवाओं ने आपसी सहयोग से बच्चों को उपहार देकर बांटी खुशियां। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनों के साथ साथ दूसरों के लिए भी जीवन जीने की कला रखते हैं। ऐसे ही शहर के कुछ युवा और भामाशाहों ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर गरीब कच्ची बस्तियों में रहने वाले बच्चों के साथ खुशियां बांटने का संकल्प लिया और आपसी सहयोग से अजमेर शहर के अलग अलग 12 स्थानों पर कच्ची बस्तियों में रहने वाले हजारों गरीब बच्चों को उपहार की टोकरियां बनाकर बांटी और उनके साथ राखी के पर्व की खुशियों को साझा किया। इन युवाओं की टीम में शामिल रजत हॉस्पिटल के अभिषेक शर्मा, योगेश चौहान, रमेश चौहान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनुज पिंगोलिया, पूर्व पार्षद रेखा पिंगोलिया, मोहन वॉच एंड मोबाइल के रवि टिलवानी, रॉयल बेकरी के सूरज, कोहली स्पोर्ट्स से प्रतीक कोहली और दीपक कोहली, पार्षद अतीश माथुर, अभिनव कोहली सहित अन्य लोगों ने अलग अलग बस्तियों में जाकर बच्चों को फ्रूट, मिठाई, नमकीन, टॉफी, चिप्स, कुरकुरे से भरी टोकरियां प्रदान की। योगेश चौहान ने बताया कि रक्षाबंधन के पर्व पर सभी दोस्तों ने संकल्प लिया कि क्यों ना गरीब बच्चों के साथ इस पर्व की खुशियों को बांटकर ही इस पर्व को मनाया जाए। इस पर सभी दोस्तों ने कंट्रीब्यूशन कर उपहार खरीदे और टोकरियां बनाकर अजमेर शहर के 12 अलग अलग स्थानों पर इनका वितरण किया। बच्चे इनको पाकर जो खुशी महसूस कर रहे थे उसे देखकर उनके दिल में संतोष और काफ़ी खुशी प्राप्त हुई और आगे भी ऐसा ही प्रयत्न करने का संकल्प लिया गया। पंशील नगर गणेश गुआड़ी कच्ची बस्ती में 150 बच्चों को उपहार भरी टोकरियाँ प्रदान की गई। आज गणेश गुआड़ी में सभी की तरफ से मिलजुल कर कंट्रीब्यूशन करके जो राखी का त्यौहार है उसको ध्यान में रखते हुए जो गरीब बस्ती है गणेश गुआड़ी उसमें सभी जो गरीब बच्चे हैं वो अपना त्यौहार हंसी खुशी मना सके, इसके लिए सबने मिल के मिठाई की टोकरी, फलों की टोकरी और बच्चों को गोलियों टॉफी की टोकरी सबको वितरित की है, ताकि गरीब लोग भी अपना उत्सव त्यौहार अच्छे से मना सके। इसलिए ये प्रोग्राम आज गणेश गुआड़ी में रखा गया है और इस तरह से ये प्रोग्राम से अलग अलग जगह शहर में 8 जगह और भी चल रहे हैं।